ही एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गेट रेडी विद मी, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये करवा चौथ वाले दिन मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्विक, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि भाई घर में सब जो लेडीज़ होती हैं उनको तैयार भी होना होता है, व्रत भी होता है उनका, और घर के सब काम काज बच्चों का भी देखना होता है। तो मेरी भी कहानी वैसी है, मैं अकेली हूँ, मुझे बच्चे का भी देखना है, खाना पीना, घर का साफ सफाई काम, और व्रत भी होता है, पूजा भी करनी होती है तीन तीन टाइम, फिर खाना भी बनाना होता है शाम का, है ना, बायना निकालते हैं इन-लॉज के लिए। सो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके साथ में फिर रेडी भी होना होता है। तो इस तरह से मैनेज करके, मतलब कैसे हम रेडी हो और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगना होता है उस दिन। सो इस तरह से आप रेडी हो सकते हैं। और मुझे पता है कि ये वीडियो लेट जा रही है ऑब्वियसली यार, क्योंकि करवा चौथ वाले दिन तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, वीडियो बना लिया वही बहुत बड़ी बात है। ब्लॉग मैंने शेयर कर दिया अपने चैनल पर, जाके जरूर देखना पूरा, मतलब दिखा है मैंने कैसे पूजा कर रही है, किस तरह से है, और फिर बाद में एडिटिंग कर रही हूँ, दो तीन दिन बाद जाएगा ये वाला वीडियो मेरी। तो आप इस तरह से दिवाली पर तैयार हो सकते हैं। भाई दूज है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है, तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे क्रिएट कर सकते हैं इजीली, है ना। बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो हमें सोचना पड़ता है कि नहीं इस तरह से नहीं है, तो अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कलर यहाँ पे मैंने स्किन प्रेप कर लिया था, मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, और कलर बार का सिलिकॉन बेस मैं प्राइमर लगा रही हूँ, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा, और बहुत ही अच्छा प्राइमर है ये, क्योंकि मैं 11 बजे तैयार हो रही थी, तो ऐसा तो है नहीं शाम को भी पूजा करनी होती है, दिन में हम लोग कहानी सुनते हैं 11 12 बजे के करीब, मतलब मॉर्निंग में, और फिर बाद में शाम को पूजा होती है जिसमें बायना निकलता है, फिर चांद को देख के पूजा होती है। तो पूरे दिन के लिए हमें मेकअप चाहिए, तो लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए प्राइमर मतलब जरूरी होता है। ओके, सो मेबेलिन फिटमी का मैंने फाउंडेशन लिया है, बहुत ही ज़्यादा मीडियम कवरेज है इसकी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी बेस करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डे के लिए है और ज़्यादा ग्लैम लुक भी नहीं चाहिए, बस ये है कि एकदम मतलब दुल्हन जैसा हम दिखे, ठीक है। तो न्यूली जो ब्राइड है वो भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी अपने स्पेशल ओकेजन पे, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पर। तो इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर की ब्लेंडर से मैं हेल्प डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं क्या कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, जो कि मैं हर एक वीडियो में इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि अच्छा है ये ना, इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है, तो ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी इसको भर भर के, बस मैं आईलिड पर अपनी जो पिगमेंटेड एरिया है मेरे वहाँ पर, लिप के अराउंड है ना, फोरहेड पर, इस तरह से लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो इसी भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, आप चाहे तो फिंगर से कर सकते हैं, ब्रश से कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से है, और अच्छे से ब्लेंड करना है, स्मूथ लगना चाहिए, क्योंकि हमें रात तक मेकअप टिकाना है, और हाँ रात को मेकअप रिमूव करके ही सोना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि थकान में आप लोग मेकअप करके ही सो गए, तो उससे स्किन पे मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। तो अच्छे से हो गया, कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं इसको, मैक का ये है मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी मैं, इससे लॉन्ग लास्ट बन जाता है, मैट फिनिशिंग आ जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आई शेडो लिया है हुडा ब्यूटी का, उसमें बहुत सारे शेड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्राउन और पिंकी शेड लेके पूरी आईलिड पर ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, है ना। ज़्यादा मैं ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप कर रही हूँ आई का, नहीं, नॉर्मल कर रही हूँ, और आपको जो आउटफिट है वो आप उसमें से कलर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले आई शेडो अप्लाई किया ब्लू कलर का, ठीक है, ब्रश से, और उसके ऊपर मैंने ग्लिटर लगा लिया, तो उसमें ग्लिटर आपको मिल जाएगा, और ईजिली मतलब इसमें कोई ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप से वहाँ पर स्टिक हो जाता है। सो मैंने यहाँ पर उसी आई शेडो पैलेट से ब्राउन शेड लिया, और इसको मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया है। तो मैं पाउडर कॉन्टोरिंग ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्रीफर करती हूँ, ईजी भी होती है और कंफर्टेबल भी होती है। ओके, तो मैंने ये कर लूँगी, और अपने नोज़ को थोड़ा सा पतला तो दिखाना होता है, क्योंकि हम जब फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं तो स्किन का टोन एकदम इवन हो जाता है पूरा, तो काफ़ी बड़ा बड़ा फेस लगता है, तो वार्म्थ मिलती है कॉन्टोरिंग करने से। तो यहाँ पे मैं हल्का सा फिंगर से ही हाइलाइटर लगा लूँगी, ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दिन का मतलब है ये, दिन में मैं मेकअप कर रही हूँ, ठीक है, तो दिन में ज़्यादा हाइलाइटर वगैरह अच्छा भी नहीं लगता है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है पुणे में, गर्मी है, और मैं स्विस ब्यूटी का मैंने शुगर का यहाँ पे आईब्रो डिफाइनर लिया है, जो कि मैं भूल गई थी, तो यही है, और बहुत ज़्यादा कम टाइम था मेरे पास, आधा घंटा ही था, तो 10 मिनट में मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे बाल भी आपको दिख रहा होगा, है ना, ड्राई करना है। तो शुगर का मैं लिप कलर ले रही हूँ, जो कि रेड कलर का है, ब्यूटीफुल कलर है, बहुत ही प्यारा, इसे भी मैंने ऑनलाइन बाय किया था,
थोड़ा सा जो मैंने ऊपर ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई किया था उसे नीचे भी कर लूँगी लोअर लाइन में, मस्कारा लगा लूँगी और यस सिंदूर तो अपना इम्पोर्टेंट पार्ट है करवा चौथ पे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है करवा चौथ के दिन। और ये जो मंगलसूत्र है मैं नहीं पहन रही हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी मेरे ब्लॉग चैनल पे देखना कि मैंने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना, हस्बैंड से लड़ाई होगी क्या हो गया, वो सब मैं ब्लॉग चैनल बनाऊँगी, नहीं तो आपको मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं आप। और मैंने स्विस बीट का जो मेकअप फिक्सर लगाया तो पहले ही लगा लिया था क्योंकि मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था मुझे कुछ भी ना, इधर उधर सब हो रहा था, कायना इधर से परेशान कर रही है, जो भी है मतलब बहुत दिमाग खराब हुआ, होता है उस दिन ना फेस्टिवल वाले दिन, और फिर सारी चीज़ें मतलब लेट भी हो रहा था पूजा के लिए, पूजा करनी थी, फिर इस तरह से है। ब्लॉग चैनल देखिएगा, सॉरी ब्लॉग चैनल बोल रही हूँ, ब्लॉग वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सब पता चल जाएगा किस तरह से मैंने पूजा की है, किस तरह से हम लोगों ने इसका त्यौहार मनाया। तो अगर वीडियो पसंद है उसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना।